लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड काल अदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवार उल हक पन्नू की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी काल अदम करार दे दिया। इससे कबल दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई की दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तेदा की थी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हमारी तफ्तीश मुतासिर होगी, अदालत दरखास्तें खारिज करे, जिन मोबाइल फोन से ट्वीट किए गए वो भी बरामद करने हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि एटीसी के जज को देखना चाहिए था रिमांड बनता है या नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि सेक्शन 121 के तहत बगावत की कार्रवाई होगी, जिस पर अदालत ने कहा कि ये सेक्शन लाहौर हाईकोर्ट ने कालअदम कर दिया है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि बरामदगी करनी भी है तो दरख्वास्त गुजार को जेल से बाहर नहीं ले जा सकते। बरामदगी कैसे करेंगे? अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा? अगर हम लोग को लीड करता तो फिर जरूर ये जुर्म होता। याद रहे कि 15 जुलाई को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस की बानी पीटीआई इमरान खान की 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर 10 रोजा रिमांड दे दिया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने दरख्वास्त पर समाअत की थी। इससे एक रोज कबल लाहौर पुलिस ने इडिल्ला जेल जाकर 9 मई के 12 मुकदमात में साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी डाली थी, जिसके बाद 5 जुलाई को इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था।